हेलो गाइस, आज हम जानेंगे बुलेट ट्रेन और रैपिड एक्स में क्या अंतर है और दोनों ही भारत में पहली और न्यू ट्रेनें हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले रैपिड एक्स के बारे में। तो गाइस, रैपिड एक्स का फर्स्ट कॉरिडोर 2023 में ही चालू किया जाएगा, जो कि 17 किलोमीटर लंबा है और सहीबाबाद से दोहाई तक रहेगा। और दिल्ली टू मेरठ जो रहने वाली है, जो दिल्ली टू मेरठ चालू होने वाली है, तो 2025 तक चालू होने की संभावना है। और इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड रहने वाली है 180 km/h, जो कि काफ़ी स्पीड है अभी तक मेट्रो की, क्योंकि दिल्ली में तो मेट्रो है और ऐसे में जो थोड़े लंबे रूट की रहने वाली है तो ये रैपिड एक्स रहने वाली है। ये तो मेरठ में तो खैर वहाँ की लोकल ट्रेन रहेगी, लेकिन 200 किलोमीटर तक रैपिड एक्स दौड़ेगी, जैसे कि दिल्ली से अलवर तक रहेगी रैपिड एक्स, और दिल्ली से पानीपत तक भी रहेगी रैपिड एक्स। तो रैपिड एक्स काफ़ी अलग है मेट्रो से और इसका शेप भी अलग है, देखने में बहुत ज़्यादा अलग है। तो ये खैर बाहर से नहीं आई है, इंडिया में ही बनी है ये रैपिड एक्स, और इसका रैपिड एक्स नाम NRCTC ने रखा है। तो इसका रैपिड एक्स इसलिए नाम रखा है क्योंकि मेट्रो से बहुत ज़्यादा अलग है। तो इसमें मेट्रो को नहीं कह सकते, जैसे कि बुलेट ट्रेन है तो आम जो ये ट्रेनें चल रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग है बुलेट ट्रेन। इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो अभी जो 85 किलोमीटर का सफ़र रहने वाला है उसको 55 से 60 मिनट में तय करेगी, और इसमें 6 कोच रहेंगे, तो लगभग रैपिड एक्स में 432 यात्री बैठकर सफ़र कर सकेंगे। और इसकी फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, एक लग्जरी से कम नहीं है ये भी, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग जो अंदर के गांव के लोग हैं जो जॉब करते हैं, वो हर स्टेशन पे पार्किंग काफ़ी बड़ी बना रहे हैं और उसमें वो बैठ के दिल्ली का सफ़र करेंगे वो, और वहाँ से अप डाउन कर सकेंगे। तो इसके लगभग 20-22 स्टेशन रहने वाले हैं। तो जो रैपिड एक्स के खैर मेरठ में 3-4 ही रहेंगे, बाकी लोकल मेट्रो के रहेंगे। और अंडरग्राउंड भी बन रही है, टनल भी बन रहा है इसका, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। और तो चलिए अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। तो गाइस, बुलेट ट्रेन का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और बुलेट ट्रेन का पहला कॉरिडोर मुंबई से अहमदाबाद 508 किलोमीटर लंबा और 2026 तक चालू किया जाएगा। और इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड रहने वाली है 350 किलोमीटर, तो काफ़ी ज़्यादा है, अभी तक की सबसे ज़्यादा स्पीड है ट्रेनों में, और रैपिड एक्स से तो दुगनी तेज़ दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन। और इसमें 10 कोच रहेंगे और प्रत्येक कोच में 72 यात्री बैठकर सफ़र कर सकेंगे। और वहीं इसका भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और इसके लिए इलेक्ट्रिक बनाया जा रहा है। तो यहाँ अहमदाबाद से मुंबई तक लगभग 24 नहरें हैं, तो जिसमें 6 महीने में शायद 3-4 उसके ब्रिज बना दिए गए हैं। और ये भी खैर ऊपर ही बन रही है और काफ़ी फास्ट इसका काम चल रहा है। और इसकी फैसिलिटी की बात करें तो इसकी फैसिलिटी किसी लग्जरी से कम नहीं है, और गाइस बहुत ही तेज़ी से ये भी दौड़ने वाली है, लगभग ये भी 2026 तक चालू हो जाएगी, जो इसका फर्स्ट कॉरिडोर रहने वाला है। और ये लंबे लंबे रूट के लिए काफ़ी फास्ट सर्विस होगी, जैसे कि 24 घंटे लगते थे तो ऐसे में बहुत कम समय लगेगा। और वैसे तो हमारा इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन, रैपिड एक्स, बुलेट ट्रेन जैसी नई नई ट्रेनें चालू होने जा रही हैं, और वहीं नए नए एक्सप्रेस वे भी बनाए जा रहे हैं जिसमें फास्ट सर्विस मिलेगी। तो काफ़ी तेज़ी से भारत तरक्की कर रहा है, और जैसे कि यूपी में बन रहा है 500 से ज़्यादा गंगा एक्सप्रेस वे, 500 किलोमीटर से ज़्यादा है, और ऐसे में कई एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, देहरादून एक्सप्रेस वे और दिल्ली से मुंबई के लिए एक्सप्रेस वे बन रहा है, और जम्मू कश्मीर के लिए एक्सप्रेस वे, मतलब काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो चलिए गाइस, वीडियो को लास्ट करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें।